राजस्थान के कोटा बैराज डैम से 1,84,396 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जो लगभग चंबल को खतरे के निशान तक ले जा सकता है। इसके मद्देनजर अटेर पुलिस ने डूब प्रभावित गांवों के लोगों को सलाह दी है कि वे सुरक्षित स्थानों पर पहुंच जाएं। भिंड में इसके पहले भी ऐसे हालात बन चुके हैं। इससे कई बार जान माल और मवेशियों की सुरक्षा का खतरा बन जाता है। पुलिस ने स्थानीय इलाके में पोस्टर चस्पा करते हुए लोगों को सावधान किया है। पूर्व में भी अटेर में कोटा बैराज डैम से छोड़े गए पानी के बाद कई गांवों में बाढ़ जैसे हालात बन गए थे। एनडीआरएफ और सेना की मदद लेनी पड़ी थी। इस बार पुलिस पहले से ही सतर्क है और थाना प्रभारी अटेर उदय भान यादव के द्वारा स्थानीय इलाके में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। मैं थाना प्रभारी अटेर उदय भान सिंह यादव। मेरे थाना क्षेत्र में करीब 2 दर्जन गांव में बाढ़ की स्थिति है। वरिष्ठ अधिकारियों से निर्देश मिले हैं कि कोटा बैराज से 1,84,396 क्यूसिक पानी छोड़ा गया है और इसके अतिरिक्त आज और पानी छोड़ने की संभावना है। ऐसी स्थिति में जो नीचे इलाके के गांव हैं या गांव में नीचे इलाके में घर बने हुए हैं, ऐसी जगह सभी जगह मुनादी कराई जा रही है, अलाउंस कराया जा रहा है और एक सूचना पत्र भी आम जगह पे जहां लोगों का आना जाना रहता है वहां चस्पा किया जा रहा है, ताकि जो लोग अभी गांव में ना हो तो वो वहां से निकलते आते जाते उसको पढ़ेंगे, सूचना हो जाएगी। सभी लोगों को खाली करने के लिए कहा गया है और खाली भी कराया जा रहा है। सुनिश्चित तो ये किया गया है कि किसी भी तरह की जनहानि नहीं होगी और लोगों से आपके माध्यम से यही निवेदन है कि इसका पालन करें ताकि कोई अनहोनी घटना ना हो, किसी का कोई नुकसान ना हो।